हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, चलिए सुंदरलाल शर्मा में हम किस तरह एडमिशन ले सकते हैं। सेशन अभी 2022 चल रहा है, उसमें तो स्टेप टू स्टेप देखते हैं। तो हम सबसे पहले सुंदरलाल शर्मा के वेबसाइट में आएंगे। राइट साइड में देखिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ से हम ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ इस तरह ओपन होगा। ये न्यू स्टूडेंट के लिए भी दिया है और जो ओल्ड स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर पास हो चुके हैं, ये जिन्होंने जस्ट अभी एग्ज़ाम दिया, उन लोग भी इस एग्ज़ाम को फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए राइट साइड में यहाँ पे लिखा है जिन्होंने प्रथम वर्ष अभी जस्ट एग्ज़ाम दिया है या अनुत्तीर्ण है वो भी भर सकते हैं, एलिजिबल है। बस आपको एडमिट कार्ड करके करना है। यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट है वो अपना इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, पासवर्ड सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से लॉगिन करके एंटर करेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप स्टेप फिल करना पड़ेगा। जो ओल्ड स्टूडेंट है उसके लिए मैं बता दूँ, ओल्ड स्टूडेंट में आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक हियर पे करने के बाद में आपको देखिए 28 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एनरोलमेंट नंबर फर्स्ट ईयर में जो मिला है वो डालना है और नेम का 3 डिजिट डालना है और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन जो सेकंड ईयर है उन लोग का आ जाता है, ये फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर बस को फिलअप करना पड़ेगा क्योंकि वो न्यू है। यहाँ पे आप व्यू एप्लीकेशन में देखेंगे तो आपने जो फर्स्ट ईयर में जो भी फिलअप किया था, जैसे इसका फीस 11,350 था, मास्टर ऑफ सोशल वर्क है ये प्रीवियस ईयर का। अगर आप सेकंड ईयर करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर एडमिशन दिया है। देखिए यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ सोशल वर्क का मैं फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या चीज़ है, पूरा इन्फॉर्मेशन, कौन से आपने वहाँ से किया था, आपका सेंटर कौन सा है, पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए, लास्ट एग्ज़ाम मार्कशीट अभी तो नहीं आया क्योंकि हमने जस्ट अभी 10 से 15 दिन पहले ही एग्ज़ाम दिया है। तो हमारे पास एडमिट कार्ड है तो हम एडमिट कार्ड को यहाँ पर अपलोड करते हैं। यहाँ पे हम एडमिट कार्ड को अपलोड कर देंगे क्योंकि हमारे पास मार्कशीट नहीं आया है। तो यहाँ पे आपको JPG फाइल में बनाना है 200 KB के अंदर में, तब ये एक्सेप्ट करेगा और इंस्टेंट आपका अपलोड हो जाता है। देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद में यहाँ पे देखिए आपका एग्ज़ाम डिटेल आ गया कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क फाइनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको चेक करना है क्योंकि अलग भी हो सकता है। यहाँ पे पूरे सब्जेक्ट दिया हुआ है, असाइनमेंट, थ्योरी पेपर सब ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस आपको नीचे आना है, आपको पूरा फीस प्रोसेस दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ आपको डिटेल चेक करना है। यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि सेकंड ईयर का फॉर्म है तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं होगा। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे पे यहाँ पे आपको देखिए आपका जो भी फीस है वो यहाँ पे शो हो रहा है 11,350 रुपये सेकंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का भी सेम फीस था, यहाँ भी वही फीस रहेगा। एक बार पूरा डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेना है। कोई अगर आप कुछ भी करेक्शन है नेम में, कोई भी चीज़ में, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, कोई चीज़ कुछ नहीं है तो केयरफुली फील करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे पे यहाँ पे आपको सबमिट बटन दिख रहा है तो यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देते हैं, देखिए क्लिक किया तो कुछ इस तरह आपके पास एक पूरा वेरिफिकेशन के लिए फील आ जाएगा कि आपने ये फील किया था, आज का डेट दे दिया, कौन सा सेशन चल रहा है, जनवरी दिसंबर 2022 का। एक बार फिर चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देखिए लास्ट एग्ज़ाम सर्टिफिकेट लिखा है, वहाँ और लिखा था, इसलिए यहाँ पर आप एक बार चेक कर सकते कि हाँ भाई वही एडमिट कार्ड है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है एडमिट कार्ड एक बार फिर से देख लिया। उसके बाद नीचे फिर प्रोसेस में आया तो यहाँ पे फिर से पूरा आपको एक एक चीज़ और दिखाएगा, तो केयरफुली फील करना है। चेक हो जाने पे राइट साइड में पे फीस ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का गेटवे ओपन होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, यहाँ तक आप UPI से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना डेबिट कार्ड से करूँगा। डेबिट कार्ड का आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देते हैं तो मैं डिटेल को जल्दी से फिल करके आगे बढ़ता हूँ। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फिल हो जाने के बाद मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो आपके मोबाइल में OTP आएगा। फ्रेंड्स, OTP को फिल कर देना है। फिल करने के बाद में देखिए सक्सेसफुल हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका स्क्रीनशॉट रखना है आपको कि आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन आईडी वो रहेगा। देखने के बाद में यहाँ पे क्लिक हियर टू पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल आपका ट्रांजेक्शन आईडी सब चीज़ शो हो रहा है। तो इस तरह आपका एग्ज़ाम जो है सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट करके आप अपना PDF को सेव कर सकते हैं। सेव कर लीजिए फ्रेंड, जहाँ पे सेव आपको संभाल के रखना है, कभी फ्यूचर में काम आता है तो इसका फॉर्म को आप संभाल के रख लीजिए सबमिट होने के बाद में।
ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी चेक करना चाहें कर सकते हैं। अब इस स्टेप में एक चीज़ और बताता हूँ कि आपका सक्सेसफुली हुआ है नहीं कैसे देखेंगे। इसके लिए फिर से आपको ऑनलाइन एडमिशन पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में फिर से ओल्ड स्टूडेंट वाले पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपका फिर से लॉगिन करना है सेम जैसे बताए थे। यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन में देखेंगे, देखो तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे जो FRID लिखा है इसमें क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम फॉर्म जो आपने फिल किया था वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चले कि केयरफुली आपने पूरे सही सही तरीके से एग्जाम फॉर्म को भर लिया है। तो देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।